देखो भाई मैं बता रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से यही कयास लगाए जाते रहते हैं कि क्या होगा। पहली चीज डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो वो लगभग जैसा था ऑलमोस्ट वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो अपने साथ नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ाने का स्कोप नहीं होता है। तो पेपर का लेवल जो है वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड टाइप से रहेगा, खास तौर पे जब से एनटीए ने होस्ट संभाला है, मतलब जब से उन्होंने पेपर बनाना शुरू किया है, तब से ये पॉजिटिव चीज है कि पेपर का जो पैटर्न है वो काफी प्रेडिक्टेबल हो गया है, मतलब इन द सेंस काफी एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं आपको देना चाहूंगा वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेटेज। बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि लगभग हर चैप्टर को वो कवर करने का कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था, कभी कभी किसी एक चैप्टर से सीधा 3-4 क्वेश्चन आ गए, किसी एक से आया ही नहीं। अब कोशिश ऐसी होती है, अगर आप पिछले कई सालों का पैटर्न देखोगे कि लगभग दे ट्राई टू कवर एवरी सिंगल थिंग, ज्यादातर चैप्टर्स को वो प्रॉपर कवर करना चाहते हैं।